हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप के स्टेटस से रिलेटेड चार सेटिंग एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनको अगर आप यूज करोगे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, तो दोस्तों आपके दोस्त लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे ही चार ट्रिक्स एंड सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, और अगर आप अपने स्टेटस पर यूज करोगे तो दोस्तों आपके दोस्त लोग तो चौंक ही जाएंगे। तो अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं इन ट्रिक्स एंड सेटिंग को, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां से आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, आप उस पर टच करके वीडियो को लाइक दीजिए। लाइक करने के बाद दोस्तों वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा, आप उस पे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आएगा बेल आइकन घंटा, आप उस पे टच करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इतना काम करने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपको जैसा लगे और दोस्तों इसमें से आपको जो ट्रिक आपको पसंद आए उस ट्रिक को हमें कमेंट करके बता देना है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक एंड सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप अपने व्हाट्सएप पर यूज करोगे तो आपके दोस्त लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आ जाता हूं अपने व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आने के बाद आ जाता हूं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। यहां पे मैं आपको एक ऐसी कमाल की सेटिंग बताएंगे जिस सेटिंग को अगर आप अपने व्हाट्सएप पर यूज करोगे तो आपका स्टेटस आपके वही दोस्त देख सकते हैं जिस दोस्त को अगर आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप जिन्हें नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो दोस्त आपका स्टेटस नहीं देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा तीन ऑप्शन। यहाँ से देखने को मिलेगा माई कॉन्टेक्ट, और दोस्तों आपको सेकेंड वाले मिलेगा माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट। तो दोस्तों सेकेंड वाले में होगा का, अगर आप अपने सेकेंड वाले पे टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप किसी भी बंदे पे यहाँ पे टिक लगाएंगे, तो इस टिक लगाने से होगा क्या कि जिस बंदे को आप यहाँ से टिक लगाओगे उस बंदे को आपका स्टेटस नहीं दिखेगा। हाँ दोस्तों, इस सेकेंड वाले ऑप्शन का इसे ही मतलब है कि अगर आप अपना व्हाट्सएप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आप यहां से उस पर टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद यहां से आपको सही पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस वो लोग नहीं देख पाएंगे जिन लोगों को आपने टिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि हम अपना स्टेटस किन लोगों को दिखाना चाहते हैं तो उनको कैसे दिखा पाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां से ओनली शेयर विद पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आप दोस्तों यहां से वो अपने फ्रेंड चूज कर लीजिए जिन लोगों को आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस दिखाना चाहते हैं। तो जैसे दोस्तों आप उन लोगों को चूज कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों जितने लोगों को आप दिखाना चाहते हैं उनको यहां से चूज कर लीजिए और टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सही वाले टिक पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों होगा का कि जो आपने टिक किया है जिन लोगों को, वही लोग आपका व्हाट्सएप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पहली ट्रिक और सेटिंग, यानी कि जिसे अगर आप यूज करोगे तो आपके दोस्त लोग तो पूछने पर मजबूर ही हो जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में, यानी कि दूसरी ट्रिक के बारे में। अगर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, जैसे दोस्तों मैंने ये लगा के रखा है, दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर ये स्टेटस आपका कोई भी दोस्त मांगता है तो उसे अगर आप देना चाहते हैं तो आपको गैलरी में जाना पड़ेगा, यानी कि फोन की गैलरी में जाना पड़ेगा। वहां से आपको वो वाला फोटो यानी स्टेटस या वीडियो या उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, यानी कि उसको खोजना पड़ेगा। खोजने के बाद वहां से आप शेयर करते हैं। अगर आप अपने गैलरी में ना जाके आप यहीं से डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेटस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर आपने एक स्टेटस लगाया है या दो स्टेटस, तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, आप उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों आपके सामने सारे स्टेटस आ जाएंगे जितने आपने लगा के रखे। अगर आपका दोस्त कोई भी स्टेटस यानी कि मांग रहा है, जैसे दोस्तों हमने दो स्टेटस लगा के रखे, तो यहां पर आपको सेकेंड वाला अगर आपका दोस्त मांग रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे, या फर्स्ट वाला मांग रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां से मिल जाएगा फॉरवर्ड का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करके अपने उस वाले दोस्त को यहां से टिक लगा लेंगे और यहां से सेंड कर देंगे। तो इससे दोस्तों होगा कि हमें गैलरी में भी नहीं जाना पड़ेगा और हमारा स्टेटस हमारे दोस्त के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे ट्रिक के बारे में। अगर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं, हाँ दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं, जैसे दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये हमने स्टेटस देखे। अगर दोस्तों इसे आप पढ़ने वाला स्टेटस है, जैसे कोई फोटो लगा हुआ है और उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे ये दोस्तों, तो अगर आप इसे पूरा नहीं पढ़ पाते और ये अपने आप कट हो जाता है जैसे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में इसे रोक कर पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में थ्री फिंगर रखेंगे तो थ्री फिंगर रखने से दोस्तों ये फोटो रुक जाएगी उस मोबाइल पर, यानी कि अगर आप रेडमी का मोबाइल यूज करते हैं तो ये
ट्रिक आपके मोबाइल में नहीं काम करेगी। अगर आप दोस्तों ओप्पो वीवो और रियलमी फोन का यूज करते हैं तो दोस्तों जैसे ही अपने मोबाइल में थ्री फिंगर रखेंगे वो फोटो वहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप एक उंगली से उसको टच करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इस ट्रिक से होगा क्या कि आपका कुछ भी किसी भी फोटो पर लिखा हुआ है तो उसे आप रोक सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं और उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक से ये आपको फायदा होगा। आप दोस्तों तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे सेटिंग यानी ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों ना आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा यानी कि ना कोई आपको ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेटस को देख लेना है जिस स्टेटस को आप अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने सारे के सारे स्टेटस देख लिए। अब मैं आपको दिखा दूंगा बिना ऐप्स को यूज किए मैं इसको अपने गैलरी में आपको दिखा दूंगा कि ये सारे के सारे स्टेटस हमारे गैलरी में हैं या नहीं। तो दोस्तों आप भी अपने गैलरी में स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन के। अब आपको करना क्या पड़ेगा, वो स्टेटस आपने देख लिए जो आपको डाउनलोड करना है, आप चले जाना है अपने फोन की गैलरी में। जैसे ही दोस्तों आप अपने फोन की गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद यहां से अपनी फाइल को चूज कर लेना है। फाइल को चूज करने के बाद यहां से आपको व्हाट्सएप वाला ऑप्शन निकाल लेना है, जहां पे आपके मोबाइल में हो वहां से आपको व्हाट्सएप निकाल लेना है। व्हाट्सएप निकालने के बाद दोस्तों यहां से मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपके सारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहां से वो व्हाट्सएप स्टेटस कहां से मिलेंगे यानी कि जो हमारे दोस्त ने लगाए हुए हैं वो स्टेटस आपको से मिलेंगे। इसके लिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको सेटिंग मिल जाएगी। सेटिंग मिलने के बाद यहां से मिल जाएगा शो हाइडन फाइल्स, आपको इसको इनेबल कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि वो स्टेटस आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से हमको एक और ऑप्शन मिल चुका है स्टेटस का, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त लोग ने जो स्टेटस लगाया है वो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इन्हीं स्टेटसों को अगर आप अपने गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं यानी सेव करना चाहते हैं तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा एक गोला यानी कि उस पे आपको टिक लगा लेना है। जैसे ही आप टिक लगाओगे उसके बाद दोस्तों आपको यहां से मिल जाएगा मूव करने का ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहां पे आपको मिल जाएगा मूव का ऑप्शन, आप उस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको वो स्टेटस अपने मोबाइल में सेव करना है या दोस्तों आप अपने मोबाइल में एक एसडी कार्ड डाले हुए हैं तो उसमें सेव करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेव कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप किसी का भी स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी ऐप्स के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे ट्रिक्स के बारे में यानी कि अंतिम ट्रिक्स के बारे में। उस चौथे ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 30 सेकंड से ज्यादा लंबा वीडियो यानी कुछ बड़ा वीडियो, एक दो मिनट का वीडियो अगर आप अपने स्टेटस पर लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद दोस्तों इसे ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इसकी सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहां से आपको ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप ऐड वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको वो वीडियो चूज कर लेना है जो वीडियो आप अपने स्टेटस पर लगाना चाहते हैं यानी कि जो वीडियो आपका एक से दो मिनट का हो। यहां पे आप बहुत सारे यानी कि 8 से 10 मिनट का भी वीडियो चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों ये वीडियो चूज किया, ये वीडियो हमारा 4 मिनट और 12 सेकंड का है, मैंने इसे चूज कर लिया। चूज करने के बाद दोस्तों यहां से आपको सही वाले टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों उस आइकन पे क्लिक करोगे, आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपको यहां से कुछ प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली सीधे आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे भेज देगा। यहां से आपको ऐड को कट कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे ऐड को कट करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं हम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर आ चुके हैं। अब आपको यहां से अपना माय स्टेटस चूज कर लेना है और आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप आइकन पे क्लिक करेंगे यानी कि आगे की ओर क्लिक करेंगे उस आइकन पे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा जो वीडियो आपने अपने स्टेटस में लगाने के लिए चूज किया था। दोस्तों आप देखते हैं ये वीडियो हमारा 4 मिनट 12 सेकंड का था। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत सारे पार्ट में बढ़ चुका है यानी कि 30-30 सेकंड में बढ़ चुका है। अब ये वीडियो पूरा का पूरा लग जाएगा 30-30 सेकंड के रूम में। तो ऐसे दोस्तों आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लंबा से लंबा आप लगा सकते हैं और अपने दोस्त लोगों को पूरा का पूरा वीडियो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।